एक गांव में अजीत पाल नाम का एक आदमी रहता था। उसको एक मटन की दुकान थी। वहाँ हर ग्राहक को अच्छा क्वालिटी वाला ही मटन बेचता था। अगर कोई बूढ़े लोग आए तो उनसे कहता था, ओ बूढ़ी माँ, मटन खीमा अच्छा सा मारा हूँ और उसके साथ साथ हड्डी भी डाला हूँ, इसको खा के ना तुम तंदुरुस्त रहना, कहता था। वो सुनकर वो औरत कहती थी, तुम बहुत अच्छा आदमी हो, इसलिए हम सभी लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम सबका बहुत अच्छा ध्यान रखते हो, कहकर उसे आशीर्वाद देके चले जाते थे। अजीत पाल बहुत मेहनत करता था, अपने बेटे को शहर में पढ़ाता था। एक बार अजीत पाल का लड़का नीरज फोन करके, हे डैड, माय एजुकेशन इज फिनिश, ऑल पास, आई कम होम, यू पिक अप, कहने लगा। अजीत पाल ने ये सुनकर, अरे वाह, तू तो बहुत अच्छा अंग्रेजी बात कर रहा है, मगर तू क्या कह रहा है बेटा? ओ डैड, यस्टरडे ऑल माय फ्रेंड्स पुटिंग बिजनेस, आई टू पुट बिजनेस, कहने लगा। ज्यादा बकबक मत कर, मुझे समझ आए जैसा बता। डैडी, मेरे दोस्त खुद के बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अपना गांव आने के बाद मैं भी अपना बिजनेस शुरू करूंगा, कहने लगा। नया व्यापार करोगे? तुझे पता है मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ आटा और मटन की दुकान के सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है डैड, मैं घर आकर सब कुछ बताता हूँ, कहकर फोन लगा दिया। और घर पहुँचने के बाद नीरज ने अपने पापा से, डैड, मेरे दोस्तों ने मिनी ऑटोस, मिनी कैंटीन के छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर दिए हैं, वो बहुत अच्छा सक्सेस भी हो गए, मैं भी बिजनेस शुरू करूंगा। ठीक है, ऐसे बकवास बातें करना बंद कर और कोई नौकरी पे चढ़ जा। पापा, तुम क्यों मुझे डिस्करेज कर रहे हो? मेरे सारे दोस्त मिनी फूड ट्रक बिजनेस लगाकर कितना पैसा कमा रहा है पता है तुम्हें? देखो बेटा, शहर की जीवन शैली अलग होती है और गांव की जीवन शैली अलग होती है, समझने की कोशिश करो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। अपने पापा की बात कहना ना मान के आखिर में ऑटो में मटन डालकर बेचना शुरू कर दिया। और दूसरे दिन नीरज ने ऑटो लेकर निकला। आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, मटन शॉप ऑटो आपके घर के सामने आ गया है, डायल करो 112112 बल्क ऑर्डर्स के लिए। इतने में नीरज को एक कॉल आया। मटन शॉप को कॉल करने के लिए धन्यवाद, कहिए तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मटन चाहिए। सुपर सर, हमारे पास स्वच्छ, शुद्ध और ऑर्गेनिक मटन मिलेगा। ठीक है, बकवास बातें बंद कर, पहले मेरा ऑर्डर ले ले, मैं चंपक पेट में रहता हूँ। हाँ सर, लोकेशन लगा दीजिए, अगर दूर भी होगा ना कोई बात नहीं, हम लोग पहुँच जाएंगे। अरे ये कैसा आदमी है, पूरी बात सुने बिना ही फोन लगा दिया, कहकर कस्टमर भी फोन लगा दिया। तब नीरज अपने दोस्त से कहने लगा, 250 किलो का मटन का ऑर्डर आ गया है, शायद उनके घर पे शादी होगा, जल्दी चल, कहकर दोनों निकल पड़े। कस्टमर के घर पर पहुंचते ही, सर हम लोग रेडी, आप लोगों को 250 किलो का मटन कब चाहिए बताएंगे तो हम लोग रेडी कर दे देंगे। अरे बेवकूफ, कोई 250 किलो का मटन ऑर्डर करेगा? ऊपर से यहाँ शादी का सीजन भी नहीं है और तो और लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, मैं सिर्फ 250 ग्राम का मटन पूछा। 25 किलोमीटर दूर से आए, तुम्हें सिर्फ 250 ग्राम का मटन चाहिए, सोचकर नीरज 250 ग्राम का मटन देकर चला गया। तब नीरज को एक फोन कॉल आया। कहिए सर, क्या तुम हमारे घर पर आकर मटन मार सकते हो? हाँ सर, हम फ्रेश मटन मार के देंगे, मगर ग्राम के हिसाब से नहीं मारते सर। ठीक है, पहले तो घर पे आ जाइए। नीरज एड्रेस ढूंढते हुए निकल पड़ा। रास्ते में कुत्ते नीरज के ऑटो के पीछे दौड़ने लगे। नीरज सोचा, यहाँ पर तो बहुत सारे कुत्ते हैं, सोचते हुए कस्टमर के घर पर पहुंच गया। क्या तुम मेरे लिए 10 टुकड़े मार के दोगे? क्या है सर, मैं इतना दूर मेहनत करके पहुंचा तो आप 10 टुकड़े मारने के लिए पूछ रहे हो? मैं आपको पहले ही बताया था, मैं ग्राम के हिसाब से नहीं मारूंगा। मैं आपको ग्राम के हिसाब से कब पूछा? मैंने तो सिर्फ टुकड़ों में मारने के लिए पूछ रहा था। परेशान होकर के 10 टुकड़े मारकर कस्टमर को दे दिया। कस्टमर उन 10 टुकड़ों को लेकर कुत्तों में डाल दिया। क्या मैंने इस कुत्तों के लिए 10 किलोमीटर दूर से आया, सोचकर रह गया नीरज। जहाँ भी जाए हर कोई छोटे ही ऑर्डर दे रहे थे, मगर कोई भी बड़ा ऑर्डर नहीं दे रहा था। हाँ, मेरे पापा सही सोचते थे, मैं ही गलत था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सक्सेस होकर ही रहूंगा, सोचकर निकल पड़ा। उस गांव के पुलिस स्टेशन में एक एसआई था। कांस्टेबल्स,
अपने गांव में चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो गई है। यहां नाक, कान, आंख, किडनी, लिवर के कारोबार दिन दहाड़े चल रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों को अलर्ट हो जाने के लिए कह रहा हूँ। वहाँ गांव के बीच में पुलिस वाले थे। इतने में वहाँ पर नीरज के पापा अजीत पाल पहुँच गया। तब नीरज अपने पापा को देखकर अपना बड़ापन दिखाने का ठान लिया। फोन पर, हेलो, ये यस यस यस, हाँ सर, हाँ हमारे पास सब कुछ फ्रेश काटते हैं, लिवर, किडनी, ब्रेन सब कुछ फ्रेश मिलेंगे। क्या तुम्हें बच्चों की चाहिए? कोई बात नहीं सर, मिल जाएंगे। ओके ओके, कहकर फोन रख दिया। लिवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट बातें सुनकर वहाँ के पुलिस वाले नीरज को पकड़ के पीटा। अजीत पाल वो देखकर दौड़ते हुए चले आया। सर सर, ये मेरा बेटा है, ऑटो में मटन रखकर बेचता है, ये वहीं बात कर रहा था, मेहरबानी करके छोड़ दीजिए, इसे कुछ भी पता नहीं। थोड़ी देर पहले लिवर किडनी की बात कर रहे थे ना? सर ये तो बकरे के है सर। तुम उतना जोर जोर से बात कर रहे तो मैं सोचा तुम ही हो आदमी, कहकर ऐसे चला गया। पापा मुझे माफ कर दो, मैं आपकी कहना नहीं माना, आज के बाद तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा, कहकर घर चला गया।